Hi am i audible to all of you please let me know if audio and audio, audio and video is clear is audio video clear गाइस वेलकम बैक टू चैनल स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं यूके प्रिंसिपल एग्जाम के लिए उसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो यूकेपीएससी प्रिंसिपल के एग्जाम को लेकर काफी लोग वेट कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा कब हमारे क्योंकि एक बार एग्जाम के लिए नोटिस आया एडमिट कार्ड के लिए नोटिस आया और फिर हमारे पास एग्जाम पोस्टपोन होने के लिए नोटिस आया तो आखिर यह उत्तराखंड प्रिंसिपल का एग्जाम होगा या नहीं होगा क्या वैकेंसी कैंसिल हो गई है क्या वैकेंसी रद्द कर दी गई है या फिर आपका एग्जाम होगा तो कब तक होगा फॉर्म कब से भरे जाएंगे दोबारा या फिर एलिजिबिलिटी जो है उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट है उत्तराखंड प्रिंसिपल के लिए और ये वीडियो अपने

आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं अगर आपका डाउट है कि मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या फिर क्या कुछ चेंजेस है जिसके बारे में भी आपका कोई डाउट है अगर उत्तराखंड प्रिंसिपल वैकेंसी के लिए तो आप एक तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करें उत्तराखंड प्रिंसिपल की तो आप फटाफट से अपने डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना नाम स्पेस देके अपनी सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम आप लिखेंगे और शेयर कर पाएंगे एट डबल फोर सेवन फोर वन जीरो आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इसके साथ ही कल हम एक लाइव करने जा रहे हैं जो कि हमारा लाइव होगा 11 बजे सुबह मॉर्निंग में 11 बजे हम लाइव करेंगे उत्तराखंड प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है एक्स वाई जेड एलिजिबिलिटी एज एग्जाम पैटर्न सिलेबस कोई भी आपकी क्वेरी है हम 11 बजे की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे कल लाइव तो अगर आपका कोई भी सवाल है उत्तराखंड प्रिंसिपल को लेकर तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सारे आंसर आपके लाइव में जो है सोल्व कर दिए जाएंगे सारी आपको अपडेट मिल जाएगी कि मैं फॉर्म भर सकता

ये देखिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है अब उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें हमें पता चल रहा है कि टोटल जो है कितने लोगों ने टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं सेकेंड हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे थर्ड जो है एज क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे और इसी में फिर हमारा आ जाता है कि आखिर हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा कब होगा सारे सवालों के जवाब आपके इस सिंपल से नोटिस में है ऑफिशियली नोटिस अभी तक आया नहीं है न्यूज में अपडेट है ऑफिशियल जैसे ही आ जाएगा आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा है एल टीचर के लिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी अभी तक आपके पास क्या थी एलिजिबिलिटी आपके पास थी कि इस भर्ती के लिए केवल हेडमास्टर पद पर दो साल की सेवा

तो अगर मैं बात करूं कि अब हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज होगा एलिजिबिलिटी में अब हमारे पास क्या है कि आपका सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपने हेडमास्टर के तौर पर दो साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए या फिर जो है अगर आप प्रवक्ता कैडर है तो वहां पर आपका कम से कम दस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अब जो नई अपडेट है नया मौका है वो है एल टीचर का तो जो एल ग्रेड टीचर है कैडर है उनका अगर पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है तो उनका सपना भी पूरा हो सकता है उत्तराखंड

टोटल पोस्ट कितनी है आप सभी को पता है टोटल पोस्ट कितनी थी हमारी टोटल पोस्ट थी हमारी 692 प्रेजेंट अगर हम बात करें कि उत्तराखंड प्रिंसिपल के कितने पोस्ट खाली पोस्ट खाली हैं हमारे पास 80 से ज़्यादा खाली हैं अभी अब है। आपके विभागीय शिक्षकों के लिए, लिए। अपलिकेशन कितनी आई है अपलिकेशन उन्तीसौ से ज्यादा आई है बस लगभग सौ प्लस आपकी वैकेंसी है अगर एक पोस्ट के लिए तीन तीन आई बच्चों को करना पड़े तो सिक्स टू में हमारा तीन तिहाई जो है हमारा वो यहां से

10 साल की सेवा तक एलटीसी शिक्षक प्रधानाचार्य के पात्र अब होंगे तो राज्य सरकार के सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रिक्त 50% पदों पर अपरवक्ता के साथ एलटी कैडर टीचर को मौका दिया गया है वो भी शामिल हो सकते हैं शिक्षा विभाग ने राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग सेवा नियमावली के दो अहम संशोधन करते हुए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है इसके तहत 15 साल एलटी कैडर सेवा कर चुके शिक्षक भी आवेदन के पात्र होंगे साथ ही आयु सीमा को 50 से बढ़ाकर 55 कर दिया गया है तो प्रधानाचार्य भर्ती का मामला शिक्षक विभाग में काफी गरमाया हुआ है हाल में शिक्षकों के के विरोध कारण सरकार को भर्ती स्थगित करनी पड़ी और नियमावली को संशोधित करने का निर्णय लेना पड़ा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटर कॉलेज में अभी भाई हमारे पास पंद्रह प्रधानाचार्य के अस्सी से ज्यादा पद खाली है सरकार ने पचास पद रिक्त यानी कि छह पदों को विभागीय शिक्षकों के परीक्षा के भर्ती के लिए जारी करने का निर्णय लिया है पहले इस भर्ती परीक्षा के लिए केवल हेडमास्टर पद पर दो साल की सेवाएं दे चुके शिक्षक और प्रवक्ता कैडर में दस साल का सेवा पर कर चुके शिक्षकों को, को ही पात्र माना गया था अब राजकीय शिक्षक संघ पदों को प्रमोशन से भरने के पक्ष में है वहीं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उनतीस से ज्यादा शिक्षक परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहे हैं तो एल का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें भर्ती में शामिल कराने की मांग करता है तो इसीलिए अगर चेंजेस हुए तो ये सारे चेंजेस जो चेंजेज प्रे ये चेंजेस हो सकते हैं आपके लिए सो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आपको

प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप और आपका कोई भी डाउट है यूके प्रिंसिपल को लेकर तो आप अपना नाम सिटी स्पेस देकर अपना एग्जाम यूके प्रिंसिपल जैसे आपका नाम संजय तो संजय लिखेंगे स्पेस देखे सिटी जैसे देहरादून है तो देहरादून लिखेंगे स्पेस देखे आपका एग्जाम जो यूके प्रिंसिपल है तो वो लिखेंगे और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर साथ ही में जो भी आपका डाउट है वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और यूके प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स ऑर्डर करने के लिए भी आपको हमारे

आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है तो अगर आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको उत्तराखंड का रिकॉर्डेड कोर्स और जो है लाइव कोर्सेज दोनों मिल जाएंगे स्टोर में जाकर आपको यूकेपीएससी सर्च करना है आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ठीक है तो अगर आप यूकेपीएससी पी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि, कि बहुत सारी वीडियोस जो है हम लेकर आए हैं यूकेपीएससी प्रिंसिपल के लिए तो जैसे ही ऑफिशियल एक बार नोटिस आ जाता है इस सीरीज को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी हमने यूनिट सेवन कवर की है यूनिट एट कवर की है यूनिट सिक्स हमने कवर की है इनके हमने जो एम सी वो भी हमने कवर किए है, हैं कुछ टॉपिक्स हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा टॉपिक वाइज भी हमने कुछ टॉपिक्स को आपको यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जैसे कि नेतृत्व की शैलियां उत्तराखंड का इतिहास है टेस्ट

करेंगे अगर आपके पास आईफोन है तो आपके पास सीधा ऑप्शन आ जाएगा। का। अगर आपके पास है तो आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे क्लिक व्हाट्सएप के, के थ्रू एक मैसेज मिलेगा रीडायरेक्ट तो री कर दिया जाएगा कोर्स पर इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको एक्सेस मिल जाता है कोर्स का बारे में आपको बता दिया है तो ये थी आज की अपडेट इसी के चलते और अगर इसी तरीके की अपडेट आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं जिसके लिए कि हम कल की लाइव क्लास में उसके सारे सवालों को ले सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक थैंक यू सो मच बाय टेक केयर